गवर्नमेंट जॉब पाना हम में से हर किसी का सपना होता है और कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि हम जिस जॉब में हो वह जॉब स्टेबल हो, शेड्यूल से हो, हमारा एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जिससे कि हम अपनी सारी जिम्मेदारी भी निभा पाए और जॉब में भी अपना 110% दे पाए। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गर्ल्स के लिए टॉप 10 जॉब्स के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं अब हमारे समय में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और गर्ल्स भी कहीं ना कहीं जॉब पाना चाहती हैं और हर सेक्टर में उनका अपना कंट्रीब्यूशन है। और दोस्तों आप महिलाओं को देख रहे हैं आज वो हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा हो, सुरक्षा हो, बिल्कुल आज वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि अगर आपके लिए टॉप 10 जॉब्स की बात की जाए तो दोस्तों आज मैं आपसे जो जॉब्स के बारे में बात करने वाला हूं वह ऐसी जॉब्स हैं जो कहीं ना कहीं गर्ल्स को थोड़ा एडवांटेज देती हैं कंपैरिजन टू मेंस के आगे। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे जो बात करने वाला हूं जिसे मैंने नंबर 10 पर रखा है वह है कांस्टेबल एंड SI इन स्टेट पुलिस एंड रेलवे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर आप एक गर्ल्स हैं और आप पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती हैं अपने रिस्पेक्टेड स्टेट पुलिस के, और अगर आप रेलवेज में RPF कांस्टेबल या SI के पद पर जाना चाहती हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर जनरली जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं इन डिपार्टमेंट्स में उनमें से 20-25%, कहीं कहीं पर 30% आपकी जॉब्स को रिजर्व रखा जाता है कि इस पे सिर्फ गर्ल्स का ही सिलेक्शन होगा। मैं अगर बताऊं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट पुलिस में 10,000 वैकेंसी आई कांस्टेबल की, तो वहां पर 20% वैकेंसीज गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दी जाती है कि इन वैकेंसीज में सिर्फ गर्ल्स की फाइट होगी, आपकी अलग मेरिट बनती है, आपको यहां पर मेल से फाइट नहीं करना होता, क्योंकि आपके पास जो वैकेंसीज होती हैं उनमें सिर्फ गर्ल्स फाइट करती हैं और उन वैकेंसीज पे आपको आपकी जॉब मिल जाती है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों कहीं भी अगर आप जाती हैं तो आपकी 35,000-40,000 की सैलरी यहां पर होती है। समय समय पर हर स्टेट पुलिस और रेलवे अपनी वैकेंसीज निकालता है और आप इसमें अप्लाई करके इसमें ज्वाइन कर सकती हैं। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो वह है अगर आप सेंट्रल पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं SSC के माध्यम से, CPO यानी दिल्ली पुलिस, ITBP, CISF, SSB ये सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर आप इसमें SI बनना चाहती हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहां पर भी गर्ल्स के लिए स्पेशल कोटा होता है, उनकी वैकेंसीज आपके लिए अलॉटेड होती हैं और यहां पर आपको एप्लीकेशन फीस भी नहीं देनी होती अगर आप गर्ल किसी भी कैटेगरी से हैं, और आपके लिए जो वैकेंसीज होती हैं उन्हीं में आपको फाइट करना होता है। इसके बाद आप दिल्ली पुलिस, ITBP, असम राइफल्स, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में SI सब इंस्पेक्टर के पद पर आपकी ज्वाइनिंग होती है और आप कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे पाती हैं। अब मैं बात करता हूं वन ऑफ द बेस्ट जॉब के लिए जो सबसे ज्यादा गर्ल्स प्रीफर करती हैं, वह है स्कूल टीचर। देखिए स्कूल टीचर की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि हाफ टाइम जॉब होती है, आप मॉर्निंग में जाती हैं, आफ्टरनून में अपने घर आप होती हैं और बाकी सारी जिम्मेदारियों को भी आप इस जॉब को करते हुए निभा सकती हैं। तो स्कूल टीचर बनने के लिए आपके पास BEd, DLed ऐसी बहुत सारी डिग्रीज होनी चाहिए और समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज को निकालता है। यहाँ पर कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं, कई ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स की सिलेक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पर पूरा गर्ल्स स्कूल होता है, वहाँ पर बच्चियाँ ही पढ़ने आती हैं और जो टीचर्स रखी जाती हैं वह भी ओनली फीमेल टीचर्स रखी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे नवोदय हैं, केंद्रीय विद्यालय इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर सिर्फ गर्ल्स के लिए वैकेंसीज आती हैं और आप भी इस जॉब को कर सकती हैं। अगली बात करें तो जो अगर आपको वर्ल्ड टूर करना पसंद है और आप चाहती हैं कि आप पूरी दुनिया घूमें तो ये आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब्स हैं और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्लासी जॉब है। यहाँ पर आपको एक रॉयल्टी सी फील होगी और वह जॉब है एयर हॉस्टेस की। समय समय पर हर एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, ये सारी जो एयरलाइंस हैं, प्राइवेट एयरलाइंस हैं, ये आपके लिए वैकेंसीज निकालती रहती हैं और अगर आप चाहें तो आप एयर हॉस्टेस के पद पर आप जा सकती हैं। इसके लिए जानने के लिए आपके पास आपको सिर्फ एक रिटन एग्जाम, एक पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू आपको देना होता है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कहीं कहीं पर आफ्टर 12th भी आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसको भी आप ज्वाइन करके अपने जो वर्ल्ड टूर के सपने को, अगर आप दुनिया घूमना चाहती हैं, इस सपने को भी आप साकार कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सर्व करना अच्छा लगता है, कहने का मतलब अगर लोगों की हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब है ये। अब बात करते हैं कि अगर आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना चाहती हैं जैसे भेल,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, ONGC ऐसी महारत नौरत्न कंपनीज में अगर आप जाना चाहती हैं तो यहाँ पर भी वैकेंसीज बहुत सारी गर्ल्स के लिए भी आती हैं। और साफ साफ उसमें लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि ओनली फॉर द गर्ल्स, आपके लिए बहुत सारी सीट्स यहाँ पर रिजर्व होती हैं। इसमें भी आप यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के, डिप्लोमा करके, सारी चीजें करके आप इसमें भी अप्लाई कर सकती हैं। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप जा करके गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी और प्राउड वाली सर्विस आप यहाँ पर कर सकती हैं। एमिनिटीज, फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको पोस्टिंग भी आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजा जाता, जहां पर इनकी ब्रांचेज होती हैं वहां पर आपको पोस्टिंग मिलती हैं। आपको हाउसिंग, सारी फैसिलिटीज, मेडिकल अलाउंस, सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप एक PSU में जॉब करती हैं। अब बात करते हैं उस फील्ड की जहां पर दोस्तों महिलाओं का वर्चस्व है और कहीं ना कहीं उनका इस फील्ड में सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत अच्छी केयर टेकर होती हैं, उनमें बहुत भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो लोगों को अपने आप से कनेक्ट कर पाती हैं। और वह फील्ड है आपकी मेडिकल फील्ड, जिसमें कि आप देखते होंगे बहुत सारी जो वैकेंसीज आती हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए आती हैं। अगर मैं बात करूं ANM, GNM, अभी रिसेंटली आपने देखा कि UP स्टेट गवर्नमेंट ने ANM की वैकेंसी निकाली और यहां पर सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं और यहां पर मेल्स अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी फील्ड है अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहती हैं, अच्छी खासी सैलरी और एक बढ़िया जॉब प्रॉपर टाइम टेबल के साथ साथ अगर आपको जॉब करनी है तो बिल्कुल आपके लिए मेडिकल फील्ड की भी सारी वैकेंसीज ओपन है। आप एक डॉक्टर, MBBS, BAMS ये सारी डिग्री लेकर के भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स में आप जॉब कर सकती हैं। अब बात करते हैं उस जॉब की, अगर आपको अपनी जॉब में रोमांच चाहिए, जोश, जज्बा और जुनून अगर आपके अंदर है और आप चाहती हैं कि भारत माता के लिए आप अपना सर्वस्व निछावर करें, तो आपके लिए जो जॉब है वह है CDS NDA FCAT। अभी आपने देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने NDA के लिए भी गर्ल्स को एलिजिबल बताया है और यह कहा है कि अगर आर्मी चाहती है, एयरफोर्स चाहती है, नेवी चाहती है कि अगर डिफेंस फोर्सेस में भी जेंडर इक्वलिटी बनी रहे तो उनको भी NDA में एंट्री देनी होगी। बिल्कुल, तो आपने देखा कि 12th के बाद अगर आप PCM ग्रुप से हैं और अगर आपने 12th पास कर लिया है, अगर आप फिजिक्स मैथ्स नहीं पढ़ी है तो आप आर्मी विंग को ज्वाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, हालांकि अभी बहुत कम वैकेंसीज हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स फाइट करेंगी और आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप ये करना चाहती हैं तो आप CDS, FCAT और OTA जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं, जिसमें जा करके आप भारत माता की सेवा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करके आप भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके भारत की सुरक्षा और रक्षा को आप और बेहतर बनाएंगी। तो ये भी आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अगली बात करते हैं भारतीय रेलवे। दोस्तों, हमारे देश की लाइफलाइन कही जाती है भारतीय रेलवे। उसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में आप देखा जाए तो देती है वो हमारी भारतीय रेल। तो आप भी भारतीय रेल में आप NTPC, ग्रुप डी, RPF ऐसी बहुत सारी वैकेंसी भारतीय रेलवे निकालती है। आपके लिए मेडिकल फील्ड्स की भी जॉब रेलवे में होती है जो कि केवल फीमेल्स के लिए रिजर्व होती हैं। इन जॉब्स को भी आप अप्लाई कर सकती हैं और इनमें भी ज्वाइन करके आप भारतीय रेल को सर्व कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ऐसे जॉब की जिसको माना जाता है कि गर्ल्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब है और वह जॉब है बैंक की। अगर आप बैंक में क्लर्क, PO, स्पेशलिस्ट ऑफिसर ये बनना चाहती हैं और आपको सिटिंग जॉब करना पसंद है और आप चाहती हैं कि आपका 10 से 5 तक का जॉब हो, तो आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब है बैंकिंग सेक्टर की जॉब। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में IBPS, SBI इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अप्लाई करके आप बैंक की जॉब को कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है, एक सिटिंग जॉब है। आप चाहती हैं एक स्टेबल जॉब, तो आपके लिए बैंकिंग सेक्टर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। यहाँ पर भी अप्लाई करके आप जॉब कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, अगर आप चाहती हैं कि आप टीचिंग क्षेत्र में वह करामात दिखाएं जो दूर दूर तक कोई सोच नहीं पाता है, तो दोस्तों आपके लिए नेट, JRF और AP ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर करके आप किसी भी कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर आप बन सकती हैं। और सैलरी की बात करें तो 75,000 से लेकर के 1,25,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता चला जाता है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में, आप एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आपका एक रेपुटेटेड जॉब है,
नेट को निकालने के लिए आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है, उसे थोड़ा टफ होता है जेआरएफ, और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है जिसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसे वुमेन यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकती हैं, कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स थी जो गर्ल्स के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। इन जॉब्स को करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया और बहुत ही स्टेबल जॉब है, बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।